हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक इट। मैं हूं विनीता और आज आपके लिए प्लास्टिक कैनवास का एक और न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूं। आशा करती हूं कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं इसके लिए वुलन यूज़ कर रही हूं। ये सिंगल थ्रेड है। हम यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब मैंने ये 12 वाले बॉक्स से अपना नीडल निकाला और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं इसे पीछे से फिक्स कर दूँगी। 6। अब इसके बाद यहाँ से हम 6 लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम यहाँ से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five. हमें यहाँ से 5 लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा 6, ये हमारा 6 और ये 5। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हम यहाँ 5 काउंट करेंगे। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। One, two, three, four, five, six. ये हमारा स्टार बन गया। हमें इसे यहाँ से निकालना है। इसे हल्का सा खींचेंगे तो ये राउंड शेप मिलेगा।
इसके नीचे से। अभी हमारा डिज़ाइन बन गया है, अब हमें इसके अंदर इसको फिल करना है। तो आप इसे लॉन्ग स्टिच से फिल कर सकते हैं, शॉर्ट स्टिच से फिल कर सकते हैं, क्रॉस स्टिच से फिल कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे फिल करूँगी, मुझे इसे पूरा फिल नहीं करना है। मैं इसका नीडल इस पॉइंट से निकाल के यहाँ इसके नीचे से निकाल के इसके सेंटर में लगा रही हूँ, सेंटर से निकाल रही हूँ, ये आप देख रहे हैं। ये हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें इसका सेकंड बनाना है। सेकंड बनाने के लिए हमारा डिज़ाइन जहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन ख़त्म हुआ, तो हम यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं, या फिर दो चार रो छोड़ के बनाना शुरू कर सकते हैं, या फिर ऊपर ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन, ये मैंने सिंपल में बनाया, एकदम प्लेन। अगर आप चाहो, अगर आप बैग के बैग बना रहे हो तो इसके इसमें के बीच में आप कुंदन का काम कर सकते हैं, या मोती का काम कर सकते हैं, या फिर सितारों का काम भी कर सकते हैं, अगर आपको वुलन से नहीं फिल करना है तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।